एवरी वन वेलकम टू तो मिता नर्सिंग क्लासेज आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एन एम फर्स्ट ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो सब्जेक्ट होता है इसकी जो थीरिया होती है सेवेंटी फाइव आवर्स में कम्प्लीट करना होता है डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है वन हंड्रेड टेन आवर्स में कम्प्लीट करना होता है टोटल जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट होता है टोटल कितने आवर्स में कंप्लीट करना होता है 185 हंड्रेड एटी फाइव आवर्स में कम्प्लीट करने होते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इसमें टोटल यूनिट होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में वन से लेके सेवन यूनिट होते हैं फर्स्ट यूनिट इज़ जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो की है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन असेसमेंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो है फर्स्ट यूनिट के रिमेनिंग पॉइंट्स यहाँ पर है फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन नेक्स्ट पॉइंट जो कि है केयर ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन जिसमें स्टडी करने होते प्ले हाइजीन इमोशनल नीड्स ट्रेनिंग फॉर बॉवल एंड यूरिनेशन नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्सीडेंट कॉजेस प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन कॉन्जेनेटल इनोमलीस क्या होता है ये था फर्स्ट पॉइंट की फर्स्ट यूनिट के सारे पॉइंट्स नेक्स्ट यूनिट इज जो कि सेकेंड यूनिट होता है न्यूट्रिश न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन जिसमें दिया हुआ फर्स्ट पॉइंट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं नेक्स्ट यूनिट इज कॉम्प्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या है प्रॉब्लम्स ऑफ फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग क्या है नेक्स्ट जो पॉइंट है इन्फेंट फीडिंग एंड एच क्या होता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ये था सेकेंड यूनिट के सारे पॉइंट्स थर्ड यूनिट जो कि है चिल्ड्रेन राइट्स इसमें चिल्ड्रेंड की राइट्स स्टडी करने होते हैं क्या क्या राइट्स होते हैं फर्स्ट दिया है कन्वेंसन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर क्या है एब्यूज एंड लीगल प्रोटेक्शन क्या होता है स्पेशल केयर ऑफ गर्ल चाइल्ड नेक्स्ट पॉइंट जो है फीमेल इन्फेंटी साइड क्या होता है यानी ये सारा जितना भी था थर्ड यूनिट के पॉइंट्स थे नेक्स्ट यूनिट इज जो कि फोर्थ नंबर पे यूनिट है केयर ऑफ द सिक चाइल्ड जिसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स क्या है इसके साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट स्टडी करने होते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज वैक्सीन फॉर प्रिवेंटेबल डिजीज क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है एक्यूट रेस्पैरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है डायरिया वामिटिंग कॉन्स्टिपेशन क्या होता है टॉन्सिलाइटिस क्या है एंड मम्स क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट इज जो कि ईयर इन्फेक्शन क्या है वम्स इन्फेस्टेशन क्या है एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज क्या होता है स्किन इन्फेक्शन क्या होता है फीवर मलेरिया एंड मेजल्स क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट इज जो कि आई एम एन सी आई स्ट्रेटिस क्या होता है ये था फोर्थ यूनिट के सारे पॉइंट्स नेक्स्ट यूनिट जो कि है फिफ्थ नंबर पे यूनिट है केयर ऑफ़ स्कूल चिल्ड्रेन जिसमें पॉइंट दिया हुआ फर्स्ट स्कूल हेल्थ जिसमें स्टडी करने होते ऑब्जेक्टिव्स प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम्स क्या है इन्वामेंट ऑफ स्कूल असेसमेंट ऑफ जनरल हेल्थ ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन नेक्स्ट पॉइंट जो है डेंटल एंड आई प्रॉब्लम्स क्या होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्या है स्कूल हेल्थ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन नेक्स्ट पॉइंट जो है नीड बेस्ड शेयरिंग ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन विथ टीचर्स पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन नेक्स्ट पॉइंट जो है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स क्या है यानी ये फिफ्थ यूनिट के सारे पॉइंट्स थे नेक्स्ट यूनिट इज जो कि सिक्स नंबर पे है केयर ऑफ एडोल्टेंस जिसमें स्टडी करने होते हैं फर्स्ट दिया है. फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग एडोलशंस क्या इमोशनल एंड बिहेवियरल बिहेवियरल चेंजेस इन गर्ल्स एंड बॉयज स्पेशल नीड्स ऑफ एडोलशंस सेक्स एजुकेशन फॉर एडो नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट होता है काउंसलिंग क्या होता है ये था यूनिट की पॉइंट्स नेक्स्ट यूनिट जो की है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का लास्ट यूनिट होता है केयर ऑफ एडोलशंस गर्ल्स जिसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है मैंस्ट्रेशन एंड के मैंसुरल हाइजीन क्या है स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होता है अर्ली मैरिज एंड इट्स इफेक्ट्स क्या है एडोलशंस गर्ल्स प्रेगनेंसी एंड एबॉर्शन प्रिपेयरिंग फॉर फैमिली लाइफ प्री मैरिटल काउंसलिंग क्या है लास्ट पॉइंट जो है सेवेंथ यूनिट का रोल ऑफ एनम फीमेल हेल्थ वर्कर यानी जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट होता है इसमें टोटल वन से लेके कर सेवन यूनिट होते हैं तो सारे यूनिट्स को आप लोग वन बाय वन करके देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके तो आज के लिए यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच